हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे फिश का, और मैंने बताया था कि फिश जो है वो उनकी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या उनकी फीडिंग हैबिट्स होती हैं, कौन सी फिशेज जो हैं किस तरह से चीज़ों का भोजन खाती हैं और भोजन के आधार पर हम फिश को कितने भागों में बांट सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फिश। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या भाग पाए जाते हैं? तो इन जनरल द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फिश कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एज शोन। तो इसमें जो है नाइन्थ पार्ट्स जो है वो फिश के एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट टीथ, सेकंड टंग, थर्ड बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, फोर्थ टेस्ट बर्ड्स एंड मुकस सीक्रेटिंग सेल्स, फाइव एसोफेगस, सिक्स स्टोमक, सेवन इंटेस्टाइन, एट पाइलोरिक सीका एंड नाइन्थ रेक्टम। तो ये नाइन भाग जो है वो फिश की एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है टीथ। लाइक प्लेकोडिस्केल्स, द टीथ ऑफ फिशेज आर एसेंशियल। प्लेकोडिस्केल की तरह टीथ भी फिश के लिए आवश्यक होते हैं। द होलो कॉन्स ऑफ डेंटाइन कंटेनिंग द पल्प कैविटीज, पल्प कैविटीज पाई जाती हैं। टीथ आर कंटिन्यूसली बोर्न अलोंग द इनर मार्जिन ऑफ द जॉस इन द फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज डेंटिकल्स। एज द न्यू जनरेशन आर एडेड फ्रॉम बिहाइंड द ओल्डर वंस आर पुश्ड इन फ्रंट, सो दैट व्हेन ओल्डर वंस आर वन ऑफ दे आर रिप्लेस बाय द न्यूअर वंस। तो जो पुराने जो है वो नए को रिप्लेस करते रहते हैं। हाउ एवर द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ परमानेंस शेप एंड मोड ऑन ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ वेरीज अमंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश। तो इनका जो है नंबर और इनकी जो है नंबर के अलावा इनका डिस्ट्रीब्यूशन या परमानेंस जो है वो अलग अलग फिशेज में अलग अलग होते रहते हैं। तो फिश में जो है ये फिश के एलिमेंट्री कैनाल का चित्र दिया हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितने भागों में बांटा जा सकता है, उनके नाम और कौन सा भाग कहाँ पर पाया जाता है। तो एब्सेंस ऑफ टीथ इन जॉस ए फीचर कॉमन टू ऑल साइपिनोइड्स विच इंस्टेड हैव फेरिंजियल फेरिंजियल टीथ, द लेटर बिहाइंड एब्सेंट ओनली फ्रॉम द फिशेज बिलोंगिंग टू द फैमिली होमेलोप्टेरिडी। जॉ टीथ हैव बीन फाउंड मोस्ट डेवलप्ड अमंग द कैरेटिनोइड्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका। अमंग द साइलुरॉइड्स द टीथ आर लोकेटेड ऑन जॉ, वोमर एंड पैलेटाइन बोन एंड ऑल्सो ऑन द वॉल ऑफ फेरिंग्स। तो टीथ जो है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अलग अलग फिशेज में अलग अलग इनका डिस्ट्रीब्यूशन पाए जाते हैं। तो जनरल शेप ऑफ टीथ वेरीज अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट्स, और जनरल टीथ की जो शेप है वो भी अलग अलग भोजन के आधार पर इनमें अलग अलग पाई जाती है। फीडिंग हैबिट्स ऑफ द फिशेज, दे मे बी पॉइंटेड, स्फेरिकल, कर्व, डैगर शेप, कैनाइन, मोलेरिफॉर्म और फैंग लाइक। इन डिप्नोन्स टीथ आर एडेप्टेड फॉर क्रशिंग हार्ड शेल ऑफ मोलस्क एंड क्रस्टेशियन। तो अलग अलग भोजन के आधार पर इनके टीथ भी अलग अलग पाए जाते हैं। फिर है टंग। टंग अराइजेज ए फोल फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इज डिवाइड ऑफ एनी मसल्स बट सपोर्टेड बाई हार्ड आर्च दैट ओपन एक्सटेंड इन टू इट स्मॉल पैपुली सेंसरी रिसेप्टर्स एंड द टीथ आर वेरिएबली प्रेजेंट ऑन दिस स्ट्रक्चर स्क्रेचली कॉल्ड द टंग। तो ये है टंग। थर्ड वाला भाग है इसका बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। द बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स आर नॉट क्लियरली मार्क ऑफ फ्रॉम ईच अदर, नंबर ऑफ प्रिफोरेशंस ऑफ गिल आर्ट्स आर लोकेटेड ऑन ईस्ट साइड ऑफ द फेरिंजियल वॉल, दीज एट देयर ओपनिंग इन टू फेरिंग्स आर सपोर्टेड बाय गिल रैकर्स। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गिल रैकर्स इज टू प्रोटेक्टेड द गिल फिलामेंट्स फ्रॉम इंजरी बट असिस्ट द फिशेज इन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। गिल रैकर्स एज शोन इन फिगर 3 वेरी इन देयर फॉर्म, नंबर एंड साइज इन फिशेज ऑफ डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स एंड ऑल्सो इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज ड्यू टू द डिफरेंसेज इन द इकोलॉजिकल नीच। तो ये जो है बक्कल गिल अलग अलग इनमें शेप दी हुई है जो कि इनकी फीडिंग हैबिट्स के आधार पर पाई जाती है। तो ये सारी बक्कल गिल रैकर्स की शेप है।
In the carnivorous fishes, gill records are normally long, hard and teeth-like, forming rasping organs, as in Olevattu, Mista, Singala, Notopterus chitala, Heteropterus fossis, Channa, Status and C. Merulius. But in a few species, these may be reduced to small protuberances, as in Tyrannosaurus or completely absent in Muraensis. In the carnivorous fish, species like Totor, Punctius sarana, P. ticto, etc., gill records are short and distinct. So, gill records ka size bhi alag-alag fishes mein alag-alag paya jata hai. In herbivores, fishes like Labiorhynchus, Pseudomegala, gill records form a broad sieve-like structure across the gill slits for filtering the water in order to retain the food in the vacuopharynx. In the plankton feeders, the gill records are well developed and are long and thin and form a protective seal so as to retain the planktons in the buccal cavity. However, some fishes like Baleothelemus and the Syngnathus rosses possess degenerate gill records, although these are plankton feeders. There is remarkable correlation between the structure of the gill records and feeding habits of the fishes. The filtering efficiency increased considerably from carnivorous to omnivorous fishes and is maximum in herbivorous fishes. Especially the gill records assist the fish in filtering the food material and prevent the escape from the buccal cavity through the gill slits. Our taste buds and mucus secreting cell. Numerous taste buds are situated on the lips and buccopharynx of a number of fish species as Sirenamrigala, Katla Katla, Punctius, Sophor, Totor, Caesothorax, Plegostomus, etc. But much less in fishes like Channa, Status, Sea Gar, Gechua, Mystus, Vitus, etc. and may be absent in other fishes. It appears that the presence or absence of taste buds depends upon the mode of feeding of fishes. तो ये भी जो है टेस्ट बर्ड्स भी इनके मोड ऑफ फीडिंग के आधार पर पाए जाते हैं. म्यूकस सिक्रेटिंग सेल आर प्रेजेंट इन द बक्कोफेरिंग्स ऑफ ऑल द बोनी फिशेज. तो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो हैं वो भी सभी बोनी फिशेज में पाई जाती हैं एंड सीक्रेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस टू लुब्रिकेट द इंजेस्टेड फूड फॉर इजी एंड स्मूथ सो फूड को इजीली मतलब आगे वो करने के लिए. Taste buds and mucus secreting cells are also located on the lips, oral valves and barbels. In may be taste buds while of a number of fishes which assist in sorting out the food. Ab hai esophagus. The pharynx opens behind into the esophagus. Pharynx jo hai esophagus mein khulti hai and the later in turn passes almost intensively into the stomach. Actually pharynx, esophagus and stomach are not clearly marketed or form each other except histologically. Esophagus commonly bears longitudinal pores to permit a greater distance. Its mucus comprises largely the stratified epithelium in the anterior region and columnar epithelium in the hinder part. A large number of mucus secreting cells are scattered in the mucosa. In the esophagus, the mucosal folds are deep and lined with columnar epithelium. Taste buds may also be present in the mucosa of some species like Labiorhynchus, Totor, Katla, Katla. Morphologically, esophagus is a short and narrow tube in majority of the herbivorous and omnivorous species, jaise Labiorhynchus, Cyprinus, Scarpio, Katla, Katla, Punctius, Sophor, and Totor. Carnivorous and predatory fishes that feed upon prey of large size possess a long and distensible esophagus as in Clarius. तो जिनमें जो कार्निवोरस होती है उनमें बड़ा इसोफेगस पाया जाता है. अब है स्टमक. स्टमक अज्यूम्स डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इन द बॉडी कैविटीज ऑफ डिफरेंट फिशेज. इट इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू ए ब्रॉड एंटीरियर पार्ट लाइंग क्लोजर टू द हार्ट एंड कॉल्ड कार्डियक स्टोमक एंड इनटू ए पोस्टीरियर नैरोअर पार्ट कॉल्ड द पाइलोरिक stomach. The opening of later into the midgut is usually guarded by a valve. The stomach basically is a structure meant for the storage and mastication of food components only when its internal lining contains the gastric glands. Stomach is not demarcated externally from the esophagus but can be distinguished from the later by differences in the mucosal folds which
are thin in esophagus and becomes thicker with wavy outline of the stomach. तो ये जो है चित्र दिखाए गए हैं स्टोमक के इंटेस्टाइन के. स्टोमक इज जनरली सैक लाइक एंड थिक वॉल इन कॉर्निवोरस एंड प्रेडेटरी फिशेज लाइक वलेगट्टू विस्टस सिंगाला नोटोप्टेरस चिताला चाइना स्टेटस. द स्टोमक ऑफ ऑमनिवोरस फिशेज ऑल्सो इज सैक लाइक ए ह्यूमंस इन सम फिशेज लाइक हेक्साइल्सा गुडासिया चैपरा एंड बुगिल करसुला. द स्टोमक इज रिड्यूस इन साइज बट इन ग्रेटली थिकन टू बिकम गिजार्ड लाइक फॉर ट्राइट्रेशन ऑफ फूड. ऑल द फिशेज डू नॉट पॉसेस ए ट्रू स्टोमक एंड इट इज ऑलमोस्ट एबसेंट इन वेरियस स्पीशीज. इन सच फिश स्पीसीज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज सॉलन टू एस्टेब्लिश ए सैक बिहाइंड द इसोफेगस. दिस स्ट्रक्चर इज मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड इज कॉल्ड इंटेस्टाइन वाल्व और इंटेस्टाइनल स्वेलिंग एज इन सिलिकॉन निगाला टोटो पतला पतला लेवी रोहिता लेवियोगानियस पंक्टियस ये सब इसके उदाहरण हैं. इट कैन बी रिगार्डेड एज ए स्पेशल करेक्टरिस्टिक ऑफ द साइब्रेट्स. हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ए ट्रू स्टोमक इज नॉट रिलेटेड टू द फूडिंग हैबिट्स ऑफ द फिशेज. स्टोमक इज लेकिंग इन ओलोसिफेलाई एंड डिप्लोई. डिप्लोई और ओलोसिफेलाई में ये नहीं पाए जाते. बिसाइड्स द साइब्रेट्स सम अदर फिशेज लाइक जिनेंटोरॉन कैंसिला एंड हिप्पोकैम्पस लेक स्टोमक इनमें भी स्टोमक नहीं पाए जाते. एब्जॉर्प्टिव सेल्स एंड द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर टू प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल्स इन द म्यूकस एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल. इसके बाद हम आते हैं इंटेस्टाइन. द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल दैट फॉलोज द स्टोमक इज कॉल्ड इंटेस्टाइन. इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू प्रिंसिपल एरिया एज इंटीरियर लॉन्ग बट नैरोअर सेगमेंट कॉल्ड द स्मॉल वी. तो बड़ी इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पोस्टीरियर शॉर्ट बट ब्रॉडर पार्ट इन द लार्ज इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट बिहाइंड द स्टोमक रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियास एंड टर्म ड्यूओडेनम व्हाइल द रेस्ट ऑफ इट इज कॉल्ड इलियम. दीज वेरियस इंटेस्टाइनल पार्ट्स आर यूजुअली डिफरेंशिएटेड एस्ट्रोलॉजिकली बाय ओनली ए ग्रेजुअल चेंज इन द नेचर ऑफ म्यूकोसल लेयर. ओनली ए सर्टेन ग्रुप इज देयर ए फोल्ड मेकिंग द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन इज लाइंड बाय ए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल एंड द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स. द फॉर्मर प्रोसेस ए फ्री स्टेटेड लोड. द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर फीवर इन नंबर इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन जैसे ड्यूओडेनम. ए फ्यू ग्रेन्युलर सेल्स बेसोफिलिक और एसिडोफिलिक इन नेचर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द म्यूकोसा बट देयर फंक्शन इज नॉट नोन. द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन डिपेंड्स अपॉन द फीडिंग हैबिट्स ऑफ द फिशेज. फीडिंग हैबिट्स के आधार पर इनकी लेंथ डिपेंड करती है. नॉर्मली इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिशेज शॉर्ट एंड मोर और लेस स्ट्रेट बिकॉज मेंटी फूड्स कैन बी डाइजेस्टेड मोर रेडिली देन द वेजिटेबल वंस. बट लॉन्ग थिन वॉल एंड हाईली कॉइल्ड इन हर्बीवोरस फिशेज फाइल एंड इंटरमीडिएट कंडीशन इन फाउंड इन ऑमनिवोरस फिशेज. अकॉर्डिंग टू एल हुसैनी द लेंथ ऑफ गट इज इफेक्टेड बाय द एवरेज म्यूकोसल एरिया इन द शॉर्ट गट मे बी कंपेंसेटेड बाय लॉन्गर म्यूकोसल फोल्ड्स. अब है पाइलोरिक सीकर. एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन ये कहलाता है पाइलोरिक सीकर. गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ एंड आर कॉल्ड पाइलोरिक सीकर ऑफ इंटेस्टाइनल सीकर. दीज आर फाउंड इन ए नंबर ऑफ प्रीफियोस. दीज मे बी ब्लाइंड ट्यूबुलर और सैक लाइक डायबिटिकुलम और अनसर्टेन फंक्शंस. दीज डू नॉट फॉलो एनी डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी इन नंबर्स इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेज. अब है रेक्टम. इट इज नॉट यूजुअली डिस्टिंग्विशेबल एक्सटर्नली बट एन इलियोरेक्टल वाल्व इज लोकेटेड इन फ्यू स्पीशीज ऑफ फिश टू डिमार्केट इन फॉर्म द इंटेस्टाइन जैसे टेट्राडोन साइना न्यूरोसिनॉक्स. हिस्टोलॉजिकली द म्यूकोसल फोल्ड ऑफ द रेक्टम डिफर फ्रॉम द इंटेस्टाइन इन बीइंग शॉर्टर एंड ब्रॉडर. प्रोसेस ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल एंड थिकर म्यूको लेयर्स. लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रोड्यूस कॉपियस म्यूकस टू लुब्रिकेट वेस्ट फूड एंड एन इजी
the facies. Morphological structure of alimentary canal of few fishes is represented in figure 2. Alimentary canal के चित्र दिए गए. अब है digestive glands. Digestive glands में the digestive glands in fishes are liver, pancreas and glands present in the digestive tract. Liver और pancreas के अलावा digestive tract में जो present होते हैं वो digestive glands कहलाते हैं. सबसे पहले liver. In bony fishes, liver is bi or tri-lobed structure, ununited anteriorly, egoid bladder of large size and uniformly present. फिर है pancreas. The pancreas is adult of bony fishes. In adult of bony fishes, appears as a highly diffuse gland. It develops by a proliferation of the dorsal bud, given off from the gut. However, in some teleosts, the pancreas of adult is a hepatopancreas, as the pancreatic bud arises adjacent to the liver but and does not separate from the latter. The pancreatic tissue becomes diffused and distributed in the mesenteries near the foregut of adults. In some other fishes, the endocrine component lies aloof from the exocrine gland. Once, of glands in digestive tract, the mucosal lining and the submucosa contain glands of digestive function. Such glands have not been observed in the buccal cavity of those fishes which happen to carry the fertilized egg in their mouth. In these fishes, the buccal epithelium get temporarily folded during the spawning phase from the oral glands. The secretions from these glands nourish the fertilized egg till the larvae hatch out of the egg. Pharynx is almost devoid of glands except a few teleosts like Dorosoma patinus. Glandular structure of the stomach comprises the gastric glands in the cardiac and pyloric regions. Gastric juice producing granular cells are present in the secretory cells of intestine mucosa comprise the goblet cells and the granular cells. तो ये है एलिमेंट्री कैनाल के जो भाग होते हैं, जो पार्ट्स पाए जाते हैं. एलिमेंट्री कैनाल का क्या स्ट्रक्चर है, ये है फिश का एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर. इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो. थैंक यू.